भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के शीर्ष नेतृत्व द्वारा सत्यार्थ मिश्रा को महानगर अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर मंडल अध्यक्ष हर्ष श्रीवास्तव के नेतृत्व में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा चेतना चौराहे पर ढोल नगाड़ों के साथ एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से भाजीमो क्षेत्र के कार्य समिति सदस्य यज्ञदत्त त्रिपाठी, हिमांशु श्रीवास्तव, शुभम मिश्रा, आयुष मिश्रा, हेमंत मिश्रा, शिवम मिश्रा, देवांश श्रीवास्तव, आयुष द्विवेदी, चंदन यादव, राहुल राणा चौबे, देवांश मेहरा, दीप कमल सिंह, निहाल सोनकर, जसवंत सिंह, नीतीश दुबे, उज्जवल सिंह, हर्ष मौर्य, गणेश कुशवाहा सहित अन्य युवा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए युवा मोर्चा के राहुल राणा चौबे ने कहा, जी हमारा नाम है राहुल चौबे राणा, सादर प्रणाम। आज भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व द्वारा परम आदरणीय क्षेत्र के अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी द्वारा, आदरणीय महानगर के अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी द्वारा एक आम कार्यकर्ता को भारतीय जनता युवा मोर्चा गोरखपुर जिले का अध्यक्ष बनाए जाने पर हम सभी युवाओं के बीच में एक हर्ष का विषय है। इस खुशी के उपलक्ष्य में हम लोग चेतना तिराहे पर युवाओं को मिठाई खिलाकर धन्यवाद और बधाई दे रहे हैं। एक आम कार्यकर्ता को संगठन ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है और शुरू से सत्यार्थ मिश्रा जी संगठन के हर दिए गए कार्यों को निष्ठापूर्वक तरीके से करते आए हैं और युवाओं को एक नई दिशा देने का कार्य करेंगे। और युवा मोर्चा द्वारा कहा गया है कि इस बार यूपी में 350 सीटों के साथ विजय करना है, जिस लक्ष्य पे शुरू से सत्यार्थ मिश्रा जी लगे हैं और आने वाले समय में भी 2022 के चुनाव में ये शीर्ष नेतृत्व को करके दिखाएंगे कि गोरखपुर जिला से, गोरखपुर क्षेत्र से और उत्तर प्रदेश से 300 पार सीट देने का ये निर्देश दे दिए हैं हम जैसे युवाओं को, और हम लोग सत्यार्थ मिश्रा जी के निर्देश का पालन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।